नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडिशनल सीपी डॉक्टर महेश भारद्वाज। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। सर 92 बैच के डीएएनपी ऑफिसर हैं और उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग पद पर पुलिस फोर्स को अपनी सेवाएं दी हैं। सर ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिजोरम में कार्यरत रहे। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी काम किया और आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई में भी डिप्यूटेड रहे। यूएन पुलिस में भी सर ने एक साल काम किया है। वो आने से पहले काफ़ी लंबे समय अकेडमिक्स में थे। ही इज़ एमए एमफिल पीएचडी और काफ़ी लंबे समय से विभिन्न अखबारों में एडिटोरियल लिखे हैं सर ने और स्पिरिचुअल टॉपिक्स और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मुद्दों पर भी सर लगातार लिखते आए हैं। अब सर वीआरएस ले रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके अनुभव। वेलकम टू यू अगेन सर। थैंक यू। तो सर आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि पुलिस की नौकरी के बारे में आपका राय, आपका अनुभव, वो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। देखिए, पुलिस वैसे तो हम लोग सिविल सर्विसेज जब देते हैं तो 27-28 सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है और ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट आपको एक सर्विस एलोकेशन होता है। उसी बेसिस पे हमको डैनिप्स एलोकेट हुआ था। लेकिन पुलिस में आने के बाद मैंने जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 decades मेरा पुलिस करियर रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि मैं इसके पुलिस के काम को स्पिरिचुअलिटी और हमारे शास्त्र हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उससे जोड़ के देखता हूँ। वो कैसे? जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में हम एक आदमी का कंडक्ट रेगुलेट कराने की बात कहते हैं कि एक इंसान को, एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए। पुलिस में भी तकरीबन वही काम होता है कि हम एक इंसान को एक अच्छा कंडक्ट के लिए उसको गाइड करते हैं, एनफोर्स करते हैं, पेनलाइज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो इन ए वे इट्स ए पुलिसिंग इज ए डिवाइन वर्क, इट्स ए डिवाइन वर्क। आप आदमी को गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं, उसको सही रास्ता दिखाते हैं। जो काम हमारे शास्त्रों में बताया गया वो काम पुलिस आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और डिफरेंट तरीके के एक्ट्स के द्वारा करती है। जी, तो सर एक पुलिस की बड़ी नेगेटिव सी इमेज है, बिकॉज वी आर ऑलवेज यू नो द फोर्स विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक और जो हमारा इंटरेक्शन होता है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सम हाउ पीपल फाइंड इट नेगेटिव टू, डिस्पाइट कि हम अपने पूरे मन से और इच्छा से काम करते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स समहाउ वी आर सीन एज अ मोर एज अ कोएर्सिव एंड नेगेटिव फोर्स? नहीं, इसमें देखिए, चूंकि हमारा काम कुछ ऐसा है, पुलिस का काम ही कुछ इस तरीके का है कि रोक टोक करना, आपको डिसिप्लिन में रखना। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष जन पावा। इंसान का जो जीवन है, व्यक्ति का जीवन, मानुष जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। और सभी प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं उनमें ऑब्वियसली एक मनुष्य है सबसे उत्तम और श्रेष्ठ प्रकृति का प्राणी है। इंसानों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए एक हमारी व्यवस्था ने पुलिस नाम की एक संस्था बनाई है। तो आप सोचिएगा कि पुलिस ऑफिसर को एक इंसानों को, जो सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, उन इंसानों के बिहेवियर को, कंडक्ट को रेगुलेट करने का काम जब दिया है, तो जो रेगुलेट करेगा, जो इंटरफेयर करेगा, जो रोक टोक करेगा, तो उसके बारे में एक नेगेटिविटी का थोड़ा सा एक भाव आता है। बट इवेंचुअली ऐसे बहुत लोग हैं जो पुलिस को ये कहेंगे कि बिकॉज ऑफ पुलिस उनके जीवन में बहुत बदलाव आए। तो शुरू में जैसे आपके बच्चे भी हैं, वो भी आप उनको रोक टोक करते हैं, बड़े भी, एल्डर्स भी जब उनको आपको रोक टोक करते हैं,
तो बच्चों को खराब लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली जब उनको समझ आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आपने हमारे लिए बहुत अच्छा सर्विस किया। और पुलिस में भी आप पाएंगे कि पुलिस को शुरू में लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर, बिकॉज ऑफ यू आई हैव बीन सेव्ड बाय दिस। तो हम बहुत सारे लोग के साथ अच्छा भी काम करते हैं। सर, आपने जब से दिल्ली पुलिस या पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, तब की और अब तक की पुलिस में आप कितना अंतर देखते हैं? व्हाट इज़ द लैंडस्केप चेंज दैट यू हैव नोटिस्ड? देखिए, पुलिस का काम मैं 30 साल पहले भी देखता था, उससे पहले भी बहुत लोगों ने देखा है और हमारे 30 साल बाद भी लोग देखते रहेंगे। सबसे ज़्यादा यदि चैलेंजेस किसी के लिए बढ़ने वाले हैं तो पुलिस के लिए बढ़ने वाले हैं। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज वही हैं, अर्थ का साइज वही है, रिसोर्सेज हमारे पास वही हैं, पाने वाली पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो जैसे जैसे कम रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा लोग स्ट्रगल करेंगे, ज़्यादा लोग पाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लोग एस्पायर करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को संभालने का काम पुलिस और कोर्ट को करना पड़ेगा। तो पुलिस और कोर्ट के लिए तो आने वाला समय भी बहुत ही बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर स्कैर्सिटी है, संसाधन कम है, पाने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस है कि ये पुलिस को और चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। जी सर, एक पुलिस ऑफिसर को हमेशा ही समय की कमी रहती है, और कहीं ना कहीं जो उसका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का बैलेंस है, चाहे बी इट इन रिलेशन हो या अपनी हेल्थ के प्रति हो, हमेशा ही टसल वाली सिचुएशन रहती है। तो आप हमारी नई जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे? व्हाट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, हाउ यू आप कैसे उस बैलेंस को कर पाए, संतुलन कैसे बना पाए? देखिए, LIC का एक पॉलिसी हुआ करता था किसी ज़माने में, जीवन पहले भी और बाद में भी। तो पुलिस में आने से पहले भी एक लाइफ था, पुलिस की नौकरी के बाद भी एक लाइफ है। तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि पुलिस में आपका इन्वॉल्वमेंट तो रहना चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं रहना चाहिए कि आप असल को छोड़कर ब्याज पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। लाइफ को नहीं भूल जाएं, लाइफ, हम लोग आए हैं यहाँ पुलिसिंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग जीवन जीने आए हैं। तो जीवन जीने के लिए आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और उसमें भी यदि आप अपने जीवन को बहुत सिंपल बना के रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी जवान को, किसी को भी कोई तकलीफ हो सकती। क्यों? आपको सफिशेंटली पैसा सरकार आपको देती है। अप टू 60 इयर्स एक पुलिस ऑफिसर को, जो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी, मैंने देश के राष्ट्रपति के साथ काम किया है, वो भी सोने के गेहूं नहीं होते, वो भी गेहूं की रोटी खाते हैं। कपड़ा हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं 60 इयर्स तक, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन यूनिफॉर्म। मकान सरकारी में रहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान का सरकार ने आपका इंतजाम किया हुआ है। आप नौकरी में आके यदि आप बिजनेस करने लगते हैं, दूसरी एम्बिशंस पालने लगते हैं, तो ऑब्वियसली एंजाइटी होगी, प्रेसिपिटेशंस होंगे, आपको एंजाइटीज बढ़ेंगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो फिर वो बैलेंस कहाँ बिगड़ रहेगा, नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक बैलेंस करके चलना चाहिए। इतना नहीं कि किसी चीज़ के पीछे भागते 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 भागते, वी हैव नॉट कम इन दिस पुलिस टू डू ए बिजनेस। हमको सरकार को हमने कमिटमेंट दिया है कि 24 आवर्स के लिए वी आर कमिटेड टू द गवर्नमेंट वर्क्स। उसके अलावा यदि हम कुछ भी काम करते हैं, मैं लेख लिखता हूँ या मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो व्यक्ति, जो पुलिस ऑफिसर, जो जवान ये सरकारी काम से इर्द गिर्द देखने लगता है, बिजनेस की तरफ ध्यान देने लगता है, सैलरी के अलावा कुछ और चीज़ों की तरफ वो देखने लगता है, तो ऑब्वियसली वो उसके चार्टर में नहीं है, तो वो तो स्ट्रेस को बढ़ाएगा ही, और जब वो अपने स्ट्रेस को बढ़ाएगा तो बीपी शुगर उसको नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम उसको नहीं होगी, तो किसको होगी? वो बियॉन्ड हिज चार्टर जा रहा है,
तो खुद इनवाइट कर रहा है स्ट्रेस, तो उसका बैलेंस तो बिगड़ना ही बिगड़ना है, उसको कौन रोक सकता है। जी सर, आप वीआरएस ले रहे हैं, आपका अभी टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, कोई खास कारण? नहीं, उसके कोई कारण नहीं है। मैंने कहा ना कि नौकरी पुलिस से पहले भी जीवन था और पुलिस के बाद भी जीवन है। पुलिस की नौकरी, इसको मैं इस तरीके से कहूँगा कि रिटायरमेंट पर लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के विचार लोगों के मन में आते हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं रिटायर होने के लिए। देखिए, जब हम पढ़ाई करने के बाद में एक करियर या एक लाइफ में कोई कुछ चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तब हमको तय कर लेना चाहिए कि हमको क्या करना है। यदि किसी को रिटायरमेंट से डर लगता है तो उसको सरकारी या कोई भी ऐसी नौकरी नहीं करनी चाहिए जिसमें एक न एक दिन रिटायर होना है। ये तो मुझे पहले से पता था, सबको पता रहता। हर रिटायरीज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रिटायर तो जब हम सरकारी नौकरी में आए तो हमको रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट से किसी तरीके की एंजाइटी और किसी तरीके का वो नहीं होना चाहिए कि रिटायर हो रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो हमने पहले से तय कर लिया। यदि आपको रिटायर नहीं होना है, आप सोचते हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना है जो रिटायर नहीं, तो आप बिजनेस कीजिए, आप खेती बाड़ी कीजिए, आप राजनीति कीजिए, आप कुछ दूसरे काम कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में तो जितना आदमी बुजुर्ग होता जाता है, जितनी उम्र बढ़ती जाती है, वो तो कभी रिटायर नहीं होता। तो हमको इसमें रिटायरमेंट के काम को, क्योंकि ये पहले से तय है, इट इज़ डिसाइडेड, तो इसके नज़दीक आके कोई एंजाइटी नर्वसनेस कतई नहीं होनी चाहिए, ये तो पहले से तय है। सर, आपने, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड था एंड यू आर सच अ हाई अचीवर, अलग अलग पोर्टफोलियोज में आपने काम किया, प्रेसिडेंट के साथ आपने काम किया, आप जिस सोच को लेके आपने फोर्स ज्वाइन की थी, क्या आप वो जो आइडियाज़ को लेके आपने ज्वाइन की थी या टारगेट्स को, क्या आप वो अचीव कर पाए हैं? देखिए, बहुत सारी सर्विसेज हैं जी। एक सिस्टम को चलाने के लिए, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए पुलिस भी है, आर्मी भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी, आईएएस भी है, सिविल सर्विसेज भी, अकाउंट्स भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट, रेलवे, बहुत सारे। मुझे लगता है कि पुलिस बहुत, पुलिस का काम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दिनों दिन, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि दिनों दिन बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। मैं इसको, पुलिस के बढ़ते हुए काम को मैं अच्छे तरीके से नहीं देखता, इसको मैं ठीक नहीं मानता कि जिस समाज में पुलिस का काम ज़्यादा बढ़ता जाए, जिस समाज में पुलिस की भूमिका बढ़ती जाए, वो समाज के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये कि समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोक टोक डिसिप्लिन करने वाले आदमी की ज़रूरत है। बेहतर तो ये है कि समाज के लोग खुद समझ लें कि, और ऐसे चलें कि पुलिस की ज़रूरत ही नहीं रहे जी। अब ये कौन, हम लोग दिल्ली जैसे शहर में देखते हैं कि 5 मिनट के लिए ट्रैफिक पुलिस का आदमी हटा दीजिए तो केओस हो जाता है इंटरसेक्शंस पे। क्या हम बिना ट्रैफिक पुलिस के नहीं चल सकते? हम पढ़े लिखे लोग हैं, सब इनकम टैक्स पेज होते हैं जो गाड़ियां चलाते हैं जी। वो बिना पुलिस वाले के एक चल ही नहीं सकते। तो ऐसा समाज जो बिना पुलिस के नहीं चल सकता, जिस समाज में पुलिस का ज़्यादा से ज़्यादा रोल होता जा रहा है, जिस समाज, जो समाज में पुलिस की भूमिका बढ़ती जा रही है, वो शुभ लक्षण नहीं है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को और समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, हमको पुलिस का काम कम से कम करना चाहिए और उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, और इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा समाज को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, समाज को, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत होना पड़ेगा, ताकि पुलिस तक कोई मामला आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। पुलिस के पास तो आना ही नहीं चाहिए। यदि घर में, परिवार में कोई चीज़ रिजोल्व हो जाती है, जैसे किसी ज़माने में परिवार में, समाज में, पंचायतें अपने इश्यूज़ को रिजोल्व कर लेती थी, उस समाज में पुलिस का कहाँ काम था। पुलिस का काम इसलिए बढ़ गया है कि हमारे परिवार के लेवल पे कुछ फेल्योर हुए हैं, समाज के लेवल पे फेल्योर हुए हैं, और ग्राम पंचायत और हमारी ग्राम सभाएं उनके लेवल पे फेल्योर हुए हैं। वो अच्छी बात नहीं है। हमको वहीं वापस जाना पड़ेगा, परिवार को मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा, और ग्राम पंचायतों और मोहल्ले के जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा।
सर, यू आर सच अ लर्नड पर्सन, इतना आपका वाइड एक्सपीरियंस रहा है, तो आखिर में कुछ जो आपके जीवन का एक अनुभव इकट्ठा इन टोटैलिटी आप क्या बताना चाहेंगे आज की जनरेशन को भी, समाज को भी, टू वाइंड अप दिस होल इंटरव्यू, दिस डिस्कशन जो हमने आपस में बात की, इसको समेटते हुए? ऐसे तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जितना मुझे समझ है. एक डेफिनेटली पुलिस में बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है, पुलिस का काम बहुत डिफ़िकल्ट है और भी डिफ़िकल्ट होने जा रहा है. तो ये मेरा मैं टारगेट कर रहा हूँ हमारे जो पुलिस के लोग हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ के लोग हैं, उन सब लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना चाहिए. शरीर अपना स्वास्थ्य उसका ध्यान रखना चाहिए, परिवार का ध्यान रखना चाहिए. कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी चीज़ में इतना, किसी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि दूसरे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट आपकी लाइफ के वो नेगलेक्ट हो जाएं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा. खाना खा रहे हैं तो साथ में सांस भी लेंगे, पानी भी पीना होगा. ये नहीं कि खाना खा रहे हैं तो फिर सांस लेना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता. आपको सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तब आपका जीवन ठीक रहेगा. अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए कि आफ्टर ऑल मेरा पर्पज क्या है इस जीवन में, का मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में. कहीं ना कहीं जाके एट द एंड ऑफ द डे हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ लौटना ही पड़ेगा. तो आज हमारे साथ डॉक्टर महेश भारद्वाज का जो ये कैंडिड इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है. दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको रिटायरमेंट पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका आने वाला जीवन सफलमय हो, इसी कामना के साथ. थैंक यू सर. मैं भी दिल्ली पुलिस का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं शायद दिल्ली पुलिस में काम नहीं कर रहा होता तो मैं अपने जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिस कर रहा होता. इसलिए आई एम सिंसियरली ग्रेटफुल टू द दिल्ली पुलिस, जिसने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, बहुत कुछ देखने को दिया जो अदरवाइज दूसरी पुलिस फोर्सेज में लोगों को मुनासिब नहीं होता है. तो दिल्ली पुलिस इज़ ए वंडरफुल पुलिस. जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं, जो आना चाहते हैं उनको भी दिल्ली पुलिस में आने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. नमस्कार.